लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वह मतदान से वंचित ना हो पाए, इसी उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए अलग से डाक मतपत्र के द्वारा मतदान किया गया। चुनाव के दिन कुल मिलाकर जिले में 45,000 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। डाक मतपत्र विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में जॉइंट मैजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, जॉइंट मैजिस्ट्रेट सरनीत कौर के देखरेख में गोरखपुर लोकसभा बासगांव लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाले सभी विधानसभाओं के कर्मचारी जिनकी मतदान हेतु ड्यूटी लगी है उत्सुकता पूर्वक EDC द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान कर रहे हैं। और दीजिए ना जिनका जिनका है कर्मचारियों के डाक पत्र से मतदान करने और स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किए जाने पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि प्रशासन की ओर से डाक से मतदान करने के लिए उत्तम व्यवस्था कराई गई है जिससे कि कर्मचारी अपने मत का प्रयोग कर सके। ड्यूटी सर्टिफिकेट उसके माध्यम से जो कौन सी बूथ में उन लोग काम करते हैं वहाँ भी वोट दे सकते हैं। इसमें जो कितने लोग चुनाव में इन्वॉल्व है, वैसे होमगार्ड है मेरा और पुलिस पर्सनल है, ड्राइवर है, क्लीनर है, फोर्थ क्लास है, सबको हम मौका देते हैं 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक उन लोग जो उनका चुनाव का ड्यूटी और एक पहचान पत्र और वोटर स्लिप ले आ करके उन लोग आराम से वोट दे सकते हैं। उसका सुविधा हम लोग दे रखा है, ट्रेनिंग भी चल रहा है। इस पर हम लोग को टोटल 15,000 के आसपास कर्मचारी सीधे इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली और 5,000-10,000 कर्मचारी होंगे ना, लगभग 20,000 कर्मचारी हम लोग चुनाव में काम में जो शामिल है उन लोगों को हम मौका दे रहे हैं।